और मेरे फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप? सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉली व्यूज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड मूवी हीरोपंती 2 मूवी के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी हीरोपंती 2 जो कि रिलीज हुई थी 29 अप्रैल 2022, 29 अप्रैल 2022 को मूवी को फ्राइडे के दिन रिलीज किया गया था। जिस दिन इस मूवी को रिलीज किया गया था उस दिन ईद का त्योहार भी था। बोले तो इस मूवी को ईद के त्योहार के मौके पर रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात करें तो बता दें कि इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया था। इस मूवी को क्रिटिक्स इवन ऑडियंस के द्वारा बहुत ही खराब रेटिंग और रिव्यूज दिए गए थे। यानी कि इस मूवी को क्रिटिक्स द्वारा 5 में से सिर्फ और सिर्फ 1.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। वही बात करें स्क्रीन काउंट्स की तो बता दें कि मूवी को इंडिया में लगभग 2500 स्क्रीन्स पे इसे इंडिया पे रिलीज किया गया था, तो इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में इसे लगभग 500 स्क्रीन्स पे ओवरसीज मार्केट में रिलीज किया गया था। दोनों को इंक्लूड करके मूवी को वर्ल्ड वाइड लगभग 3000 स्क्रीन्स पे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। मूवी हीरोपंती 2 एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको अहमद खान ने डायरेक्ट किया था। मूवी के राइटर्स की बात करें तो इसका स्क्रीन प्ले किया था रजत अरोड़ा ने, तो वही इसकी स्टोरी एंड साथ ही डायलॉग्स लिखे थे साजिद नाडियाडवाला ने। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो बता दें कि इस मूवी को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था। तो वही अगर हम इस मूवी के प्रोडक्शन बैनर यानी कि प्रोडक्शन हाउसेस की बात करें तो इस मूवी को साजिद नाडियाडवाला ने अपने प्रोडक्शन बैनर जिसका नाम था नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, इसी बैनर तले इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। चलिए तो बात करते हैं कास्ट यानी कि कलाकारों की। तो मूवी हीरोपंती 2 के अंदर टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमृता सिंह, जाकिर हुसैन, नरेश गोसेन, विकास वर्मा, मार्क स्मिथ, नवनीत मलिक एंड साथ ही सहर्ष कुमार शुक्ला, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी इस मूवी के अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी। बता दें कि मूवी के अंदर जो तारा सुतारिया का रोल था वो सबसे पहले एक्ट्रेस सारा अली खान को वो रोल ऑफर किया जाना था, लेकिन बात नहीं बन पाई, तब जाके ये रोल ऑफर किया गया था तारा सुतारिया को। साथ ही आपको बता दें कि हीरोपंती 2 की कहानी साल 2012 में आई साउथ कोरियन फिल्म अ कंपनी मैन, इसी मूवी का एडाप्टेशन है। बता दें कि मूवी हीरोपंती 2 साल 2014 में आई टाइगर श्रॉफ की डेब्यूट फिल्म हीरोपंती मूवी का सीक्वल है। अगर आप लोग साल 2014 में आई हीरोपंती का भी लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन के फिल्म रनवे 34 मूवी के साथ क्लैश हुई थी। अगर आप लोग रनवे 34 मूवी का भी लाइफटाइम वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हीरोपंती 2 मूवी को नहीं देखा है और आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर इस मूवी को 27 मई 2022 को रिलीज कर दिया गया था। चलिए तो फाइनली वक्त आ चुका है हीरोपंती 2 मूवी के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट और वर्डिट के बारे में चर्चा करने का। तो मूवी हीरोपंती 2 ने इंडिया में अपने डे वन पर अपनी जो ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी वो थी 6.5 करोड़ रुपीस की। मूवी ने इंडिया से अपने फर्स्ट वीकेंड यानी कि पहले 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे को जो टोटल नेट कलेक्शन की थी वो थी 16 करोड़ रुपीस की। मूवी ने इंडिया से अपने पहले 7 दिन यानी कि फर्स्ट वीक में टोटल जो नेट कलेक्शन किया था वो था 23 करोड़ 60 लाख रुपए 23 करोड़ 60 लाख रुपीस का। मूवी ने जो इंडिया से अपना टोटल जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था वो था 24 करोड़ 45 लाख रुपए 24 करोड़ 45 लाख रुपीस का। मूवी ने इंडिया से अपना जो टोटल लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन किया था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स GST इंक्लूड हो जाता है, तो वो था 29 करोड़ 11 लाख रुपए 29 करोड़ 11 लाख रुपीस का। और मूवी ने इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट से अपना जो टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन किया था वो था 6 करोड़ 2 लाख रुपए 6 करोड़ 2 लाख रुपीस का। और ये सब इंक्लूड करके मूवी का जो लाइफ टाइम
वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन था सब कुछ इंक्लूड करके तो वो था 35 करोड़ 13 लाख रुपए, 35 करोड़ 13 लाख रुपीज का। बात करें बजट की तो आपको बता दें कि मूवी हीरो पंती 2 टोटल 85 करोड़ 85 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी। आते हैं वर्डिट की बात करते हैं यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपने देखा कि मूवी कहीं से भी अपने बजट को रिकवर नहीं कर पाती है, मेकर्स को काफी ज्यादा लॉस होता है। तो मूवी की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है डिजास्टर की। जी हाँ दोस्तों, मूवी हीरो पंती 2 बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। बता दें कि मूवी हीरो पंती 2 को थिएटर्स में जाके जितने भी ऑडियंस ने देखा वो बस इसी उम्मीद के साथ ये फिल्म देखने गए थे कि ये फिल्म भी साल 2014 में आई हीरो पंती की तरह कमाल करेगी, लेकिन ये फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस पूरी तरह से निराश नजर आए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड साथ ही शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।